नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रांशु और लेकर आया हूं एक नया वीडियो आप सभी के लिए। आज का वीडियो दोस्तों होने वाला है राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता की तरफ से प्रकाशित होने वाली कुछ अलग-अलग कॉमिक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस वीडियो को मैं दो तीन पार्ट्स में बांटूंगा। सबसे पहला पार्ट तो है प्राइसिंग, उसके बाद हम बात करेंगे क्वालिटी के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे इन कॉमिक्स की ज़रूरत और एक रीडर की ज़रूरत के बारे में भी। सबसे पहले प्राइसिंग आपको दोस्तों बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ कि इन सभी कॉमिक्स को मैंने मंगवाया था राम कॉमिक्स गाज़ियाबाद की तरफ से। अभी नहीं, काफ़ी पहले से ये कॉमिक्स मेरे पास हैं, पर एक साथ एक तरीके की ये सारी कॉमिक्स नहीं है, इस वजह से मैं इनका रिव्यू अभी तक कर नहीं पाया था। पर मुझे लगा कि अब सही समय है जिसमें मुझे इनका रिव्यू करना चाहिए। सभी अलग अलग टाइप की कॉमिक्स हैं, कुछ पेपरबैक्स हैं, कुछ कलेक्टर एडिशंस हैं, और एक कॉमिक्स और है मेरे पास जो कि अलग से कलेक्टर एडिशन के फॉर्म में है, वो भी इसमें दिखाऊंगा। तो सबसे पहले रेट की बात करते हैं दोस्तों। बहुत कम पेपरबैक्स मनीष गुप्ता जी की तरफ से आए हैं जो कि मेटेलिक प्रिंट में हैं। ये सभी कॉमिक्स मेटेलिक प्रिंट वाली हैं। तो पेपरबैक का मूल्य दोस्तों 110 रुपये है। पेपरबैक में ये दो कॉमिक्स मेरे पास हैं, बांकेलाल और तिलिस्म देव, बांकेलाल और पीछे, माफ़ कीजिएगा, पीछे पड़ा भालू। दूसरा जो एडिशन है मेरे पास वो है कलेक्टर एडिशन, हार्ड बाउंड एडिशन है ये भी मेटेलिक प्रिंट में है, और इनका मूल्य है 175 रुपये। दोनों ही कॉमिक्स 175 175 रुपये की हैं, राज नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव, और नागराज और बुगाकू। तो आप देख पाएंगे रेट में थोड़ा सा अंतर है, लगभग 65 रुपये का। ये चारों कॉमिक्स लगभग एक ही समय पर आई थी, तो उसी टाइम पर मैंने इनको मंगवाया था। रेट के बारे में दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो ये है, मूल्य बाकी पब्लिकेशंस के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो उनसे कम तो नहीं बैठता है, उनके आसपास ही कहीं ना कहीं बैठता है। राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता की जो ये पेपरबैक्स आई थी, बांकेलाल और तिलिस्म देव और पीछे पड़ा भालू, वो शायद 130 130 रुपये उनका मूल्य था, और उन पर 10% डिस्काउंट मिलता था, तो हर कॉमिक्स लगभग 117 रुपये के आसपास की बैठती थी। और अब तो काफ़ी डिस्काउंट पर भी अवेलेबल है। मनीष गुप्ता जी की कॉमिक्स पर कोई खास डिस्काउंट नहीं रहता है। शुरुआत में कभी कभी 5% डिस्काउंट मिला था, पर अब मिलता नहीं है। तो 117 रुपये और 110 रुपये कोई मूल्य में तो अंतर नहीं है, बराबर ही प्राइसिंग है। प्राइसिंग को लेकर के हम ये नहीं कह सकते कि इनका प्रोडक्ट सस्ता है और उनका महंगा है। तो प्राइसिंग में जो इम्पोर्टेंट बात मुझे लगती है वो ये लगती है कि प्राइस कम होने का मतलब है, सस्ती कॉमिक्स का जो एक मतलब है वो है कि एक रीडर तक कॉमिक्स पहुंचे, एक पढ़ने के लिए कॉमिक्स आदमी के पास आए, ना कि सिर्फ कलेक्शन के लिए। आज के समय में जो मनीष गुप्ता जी की तरफ से कॉमिक्स आ रही हैं वो सभी कलेक्टर एडिशंस के ही फॉर्म में आ रहे हैं। मेटेलिक एडिशन, पैडेड एडिशन, गोल्ड एडिशन, अलग अलग टाइप के एडिशंस निकलते जा रहे हैं, पर पेपर बैग्स उनकी तरफ से नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी, जो कि हमें उम्मीद थी शुरू में कि पेपर बैग्स आएंगे। हार्ड बाउंड एडिशन और कलेक्टर एडिशन जो हैं दोस्तों, भले ही बाकी पब्लिकेशंस के बराबर ही रेट बैठ रहा हो और क्वालिटी उनसे अच्छी बैठ रही हो, लेकिन केवल क्वालिटी को लेकर के हम ये नहीं चाहते हैं कि क्वालिटी अच्छी से अच्छी आती रहे। जितनी अच्छी क्वालिटी आप देते रहेंगे प्राइस तो उतना ज़्यादा बढ़ता ही चला जाएगा। एक एवरेज क्वालिटी का या एक नॉर्मल क्वालिटी का प्रोडक्ट आप दे सकते हैं जो कि कम दाम में आए। कलेक्टर एडिशन को आप मेटेलिक प्रिंट में लाइए, गोल्ड गिल्ड में लाइए, वो सारी चीज़ें आप कलेक्टर एडिशन में बिल्कुल करिए, लेकिन उसके साथ में कुछ पेपर बैग्स भी ऐसे लेकर के आइए जो कि बिल्कुल नॉर्मल पेजेस में आए, सिंपल पेपर में आप उनको छापिए। ग्लॉसी पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है, मोटे कागज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, जो सिंपल पेपर होते हैं उन पेपर्स पर छाप करके उनको नॉर्मल साइज़ में लाइए। बड़े साइज़ की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, जो नॉर्मल पढ़ना चाहते हैं कॉमिक्स उनको ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। उस तरीके की कॉमिक्स आप लेकर के आइए, प्राइस उनका कम रखिए। जैसे ये 110 रुपये में आप अगर मेटेलिक प्रिंट वाली बड़े साइज़ की कॉमिक्स ला सकते हैं, इसका मतलब ये है कि नॉर्मल साइज़ की कॉमिक्स नॉर्मल पेपर में अगर आप छापेंगे तो शायद 60 से 70 रुपये में आप ला सकते हैं। अगर आप उस रेट में कॉमिक्स ले आते हैं तो वो एक वाकई में वैल्यू एडिशन होगा कॉमिक लवर्स के लिए, क्योंकि वो लोग भी कॉमिक्स इंडस्ट्री से एक बार फिर जुड़ पाएंगे जो समझ तो गए हैं कि कॉमिक्स अभी भी आ रही हैं, लेकिन अभी भी वो एक दूरी बनाए हुए हैं क्योंकि रेट इतना ज़्यादा है कि हर कोई कॉमिक्स आज की डेट में परचेज करना नहीं चाह रहा है, और अगर करता भी है तो वो कुछ कॉमिक्स बस अपनी यादों के तौर पर रखने के लिए ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनका आगे कोई फ्यूचर नहीं है। तो ये तो बात थी दोस्तों रेट के बारे में। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कलेक्टर एडिशन में आप मेटेलिक प्रिंट लाइए,
गोल्ड एडिशन लाइए, लेकिन पेपर बैग्स में आप सिंपल पेपर का इस्तेमाल करिए, सिंपल कवर्स बनाइए, नॉर्मल साइज में लाइए, उससे आपकी कॉस्ट कम होगी। और सस्ती कॉमिक्स, जो सस्ती कॉमिक्स का एक वो चला था कि सस्ती कॉमिक्स अब फिर से अवेलेबल होंगी, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो पाएगा। 60-62 पेज की कॉमिक्स 70-80 रुपए तक में आ जाए, 30-32 पेज की कॉमिक्स जो है 40 रुपए के अंदर आ जाए, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती हम सभी के लिए। अब दोस्तों आप बात करता हूँ क्वालिटी के बारे में। मेटैलिक प्रिंट, जैसा कि आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, कॉमिक्स खोलते ही आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, एकदम से लगेगा अरे भाई ये क्या चीज़ आपके हाथ में आ गई है, लेकिन फिर आप महसूस ये करेंगे कि ये शायद मेटैलिक कोटिंग ऊपर से करी गई है पेपर के, जिसकी वजह से पेपर बहुत ज़्यादा ग्लॉसी हो गया है। आपको लाइट में देखिए एकदम रिफ्लेक्शन नज़र आ रहे होंगे। और दूसरी चीज़ जो नोटिस में आती है वो ये आती है कि पेपर में एक डलनेस आ जाती है, क्योंकि जो पेपर वाइट होना चाहिए वो मेटैलिक प्रिंट में ग्रे टाइप का हो जाता है। यहाँ देख पाएंगे ये ग्रे पेपर है, जबकि अगर वाइट पेपर पर प्रिंटिंग करी जाती है तो वो खिल के आती है, वो एक खिलापन जो है वो इसमें नहीं आ पाता। ये देखिए अंतर आप महसूस कर पाएंगे शायद वीडियो में। ये देखिए वाइट बैकग्राउंड पे प्रिंटिंग बहुत ही खिल के आती है, कलर्स एकदम उभर के आते हैं। नो डाउट इन्होंने मेहनत बहुत करी है, मनीष गुप्ता जी ने एडिटिंग में भी मेहनत करी है, कलर्स रीप्रिंट रीकलरिंग में बहुत मेहनत की गई है, सब चीज़ों में आपको वो चीज़ नज़र आएगी। लेकिन इतने महंगे प्रोडक्ट का क्या करेंगे, अगर महंगा इन द सेंस कि सेम क्वालिटी सेम प्राइस में अगर आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं तो वो सस्ता नहीं हुआ। सस्ते का मतलब ये है क्वालिटी आपकी सेम रहे या भले ही थोड़ी सी कम हो जाए, लेकिन रीडर के पास जो कॉमिक्स है वो कम, उसको अपनी पॉकेट से कम पैसा निकालना पड़े, उसको सस्ती कॉमिक्स हम बोलेंगे। अगर ये है कि सभी पब्लिकेशन का जो प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे हम बहुत अच्छी क्वालिटी देने लगेंगे तो वो सस्ती कॉमिक्स नहीं हुई, वो अच्छी क्वालिटी की कॉमिक्स हुई। सस्ती कॉमिक्स का मतलब है अदर पब्लिकेशन से कम रेट में आप कॉमिक्स निकालते हैं, क्वालिटी भले ही आप थोड़ी सी नॉर्मल कर दें, उसमें हर किसी को नहीं चाहिए कि ग्लॉसी पेपर पर छपी हुई कॉमिक्स हो, नॉर्मल क्वालिटी की कॉमिक्स निकाल दीजिए, वो बहुत से लोग बाई करना चाहते हैं आज के समय में भी। तो क्वालिटी वैसे मेटैलिक प्रिंट में अच्छी है, पेपर क्वालिटी बहुत बढ़िया है। आप सुन पाएंगे आवाज़, एक मेटैलिक सी आवाज़ आती है, हालांकि ये शायद मेटैलिक कोटिंग है ऊपर, मुझे कंफर्म नहीं है, आपको अगर पता हो तो मुझे बताइएगा। और पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, थिकनेस बहुत अच्छी है, कलरिंग वगैरह पे बहुत मेहनत की गई है, ओरिजिनल एड डिटेल्स और सेट डिटेल्स दिए गए हैं, एड्स ओरिजिनल हैं, और कॉमिक्स हैंडी बहुत ज़्यादा लगती है। मुझे पर्सनली पेपर बैग ज़्यादा अच्छा लगा बजाय हार्ड बाउंड एडिशन के, मेटैलिक पेपर बैग मुझे ज़्यादा अच्छे लगे। पीछे पड़ा भालू अगली कॉमिक्स है दोस्तों, इसमें भी सेम वही क्वालिटी है, मेटैलिक पेपर वाली, बढ़िया मोटा पेपर है, बढ़िया बाइंडिंग है, पेपर बैग की बाइंडिंग भी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है बजाय हार्ड कवर एडिशंस के। और पीछे पड़ा भालू, पड़ा भालू मेरे लिए एक बहुत ही खास कॉमिक्स है, क्योंकि इस कॉमिक्स का पूरा सेट हमने खरीदा था। पिछले पहले ज़माने में इस तरीके से सेट नहीं आते थे जैसे अब आते हैं, कि बांकेलाल का पूरा सेट आया तो उसमें सभी कॉमिक्स बांकेलाल की हैं, अलग अलग ही सुपर हीरोज़ की कॉमिक्स एक सेट में आया करती थी, आप सभी को याद होगा। इस सेट में पीछे पड़ा भालू के साथ में 5 और कॉमिक्स थी जो कि 32-32 पेज की थी। 56 रुपये बहुत मुश्किल से इकट्ठे करके ये पूरा का पूरा सेट हम लोगों ने खरीदा था, और सब कॉमिक्स पढ़ी थी और सभी कॉमिक्स बहुत ही बढ़िया थी। मारा गया डोगा, डोगा की एक बहुत ही बढ़िया कॉमिक्स, अत्याचारी भोकाल की बहुत बढ़िया कॉमिक्स, नागौर भेड़िया की 2-3 ही कॉमिक्स मैंने पढ़ी है जिसमें से एक नागौर है, रोबोडॉग इंस्पेक्टर स्टील की पहली कॉमिक्स जो मैंने पढ़ी थी वो रोबोडॉग थी जो इस सेट में हमने पढ़ी, गमराज की लूटो भागो पकड़े जाओ उस समय के हिसाब से बहुत बढ़िया कॉमिक्स थी, और हमारे साथ के दोस्त जो थे जो लड़के थे वो मांग मांग करके पढ़ा करते थे। तो पीछे पड़ा भालू के साथ एक दिली लगाव है, इसी वजह से मैंने इस कॉमिक्स को दोबारा मंगवाया भी है। ओरिजिनल सेट डिटेल्स हैं, ओरिजिनल एड्स हैं, पेपर क्वालिटी, प्रिंट क्वालिटी, कवर क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साइज़ जो है, साइज़ भी मैं आपको अभी कंपेयर करके दिखाऊंगा कि किस तरह से है। हार्ड बाउंड में मेरे पास है नागराज और बुगाकू, हार्ड कवर में है, मैट फिनिश के साथ कवर पेज और बैक पेज आ जाता है, ओरिजिनल एड्स और सेट डिटेल्स ओरिजिनल दिए गए हैं, स्पाइन पर आप देख पाएंगे कॉमिक्स का नाम, पब्लिकेशन का नाम दिया गया है,
पहला पेज खोलते ही आपको एक अंदर बढ़िया ड्राइंग दिखाई देता है जो कि अंदर के पैनल से लिया गया है। दूसरे पेज पर भी आपको एक नागराज और बुगाकू का पोज दिखाई देता है। कॉमिक शुरू हो जाती है, वही मेटेलिक पेजेस, वही क्वालिटी है जो पीछे पड़ा भालू और वाघेलाल और तिलिस्मदेव में है। बुकमार्क इसमें मिलता है, हालांकि बुकमार्क की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। नागराज का एक बढ़िया पोज है लेकिन बुकमार्क की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बस बुकमार्क है तो एक अच्छी बात है। बाइंडिंग इनकी भी अच्छी है, पूरा खुल जाता है, कॉमिक्स पूरी खुल जाती है बीच से और आप देख पाएंगे थ्रेड्स आपको दिखाई देंगे। लेकिन इसमें भी वही चीज़ है, कलेक्शन के तौर पर तो मेटेलिक प्रिंट मुझे अच्छा लगता है पर रीडिंग के लिए मुझे मेटेलिक प्रिंट उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता क्योंकि एक डलनेस आ जाती है पूरी की पूरी कॉमिक्स में, चित्रों में, स्पीच बबल्स में। अगली कॉमिक्स नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव। हम सभी बहुत बार इन कॉमिक्स को पढ़ चुके हैं तो इनकी कहानी के बारे में मैं चर्चा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 85 बार इन कॉमिक्स को पढ़ा जा चुका है। अंदर एक बढ़िया सा पोज, अंदर के पैनल्स लेकर के यहाँ पर एक और ड्राइंग ली गई है और शुरू हो जाती है नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव। सभी सुपर हीरोज इसमें, काफ़ी सारे सुपर हीरोज दिखाए गए हैं, पहली बार दिखाए गए थे। और इसमें एक विवादास्पद चित्र भी है जिसमें सुपर कमांडो ध्रुव वैसे तो किसी की जान कभी नहीं लेता है लेकिन इस कॉमिक्स में, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव में, उसको एक व्यक्ति की जान लेते हुए दिखा दिया गया है। अब वो गलती से हुआ है या फिर जानबूझकर करा गया है ये तो पता नहीं, लेकिन इसमें सुपर कमांडो ध्रुव ने एक व्यक्ति की जान ली है। आपने पढ़ी होगी यदि तो आपको पता होगा। इसमें भी एक बुकमार्क मिलता है, वो भी उसी सेम क्वालिटी का है, नागराज और उसके दोस्त इसमें दिखाई देते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पर वो चित्र है जिसमें गर्दन काट देता है सुपर कमांडो ध्रुव। अब ऐसा क्यों करा गया, इसमें सुपर कमांडो ध्रुव के हाथों से हत्या क्यों करवा दी गई, ये तो जी संजय गुप्ता जी ही बता पाएंगे, वही लेखक हैं। तो क्वालिटी बढ़िया है, पीछे भी आते हैं आप तो कॉमिक्स ख़त्म होने के बाद जो ओरिजिनल एड्स हैं वो दिए गए हैं और ओरिजिनल सेट डिटेल्स भी यहाँ पर सेट करे गए हैं, अच्छा लग रहा है देखने में। पीछे वाले जो पेजेस हैं एक्स्ट्रा पेजेस उनमें भी अच्छे ड्राइंग अंदर के सेट करे हैं तो काफ़ी बढ़िया है। ग्रैंड मास्टर रोबो का ऐड है पीछे, मैट फिनिश में कवर और बैक पेज हैं और अंदर मेटेलिक पेजेस यूज़ करे गए हैं प्रिंटिंग के लिए। तो ये है दोस्तों मेटेलिक प्रिंट वाले दो पेपरबैक्स और दो हार्ड कवर एडिशन मेरे पास। आपको कैसे लगे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, आपकी क्या राय है सस्ती कॉमिक्स को लेकर के, आपकी क्या राय है इस मेटेलिक प्रिंट को लेकर के, ये सब मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों जिससे कि इस तरह के वीडियोज़ आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचते रहें। एक और ख़ास कॉमिक्स मेरे पास है राज कॉमिक्स भाई मनीष गुप्ता की तरफ से, वो भी आपको दिखाता हूँ। वो है ये सिल्वर जुबली एडिशन नागराज का और उसके पीछे की तरफ सिल्वर जुबली एडिशन प्रतिशोध की ज्वाला का। ये सिल्वर जुबली एडिशन दोस्तों जब राज कॉमिक्स एक ही हुआ करता था तब प्रिंट करे गए थे नागराज की पहली कॉमिक्स के सिल्वर जुबली वर्ष में, लेकिन मनीष गुप्ता जी ने सन 2022 में इनको फिर से रीप्रिंट किया सिल्वर जुबली एडिशंस को। ये पेपरबैक एडिशंस हैं और ये मेटेलिक प्रिंट में नहीं है, माफ़ कीजिएगा कैमरा हिल गया, ये मेटेलिक प्रिंट में नहीं है, ये सिंपल पेपर पर हैं। ये आपको दिखाता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस साइड में आपको दिखेगा नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का प्रताप मुलिक जी का बनाया हुआ बहुत ही बेहतरीन आर्ट, पोस्टर जैसा लग रहा है। यहाँ से कॉमिक शुरू हो जाती है नागराज। पेपर क्वालिटी बहुत बढ़िया है, मोटा पेपर है और नॉर्मल ग्लॉसी और मैट पेपर का कॉम्बिनेशन है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, क्वालिटी में कोई शिकायत नहीं है, सिंपल है, मेटेलिक फिनिश इसमें नहीं है, मुझे तो अच्छी बात लगी है। और पूरी 40 पेज वाली जो नागराज की कॉमिक्स थी 40 पेज वाली कहानी इसमें दी गई है। उसके बाद नागराज एक दुर्लभ खोज करके एक पूरा आर्टिकल है बहुत बड़ा सा, नागराज की बहुत सी कॉमिक्स के बारे में चर्चा की गई है, बहुत से नॉवल्टी आइटम्स के बारे में चर्चा की गई है, नागराज और बुगाकू के बारे में बताया गया है। उस समय की बेस्ट सेलर थी, 6 लाख से ज़्यादा कॉमिक्स नागराज और बुगाकू की 6 लाख से ज़्यादा प्रतियाँ बिकी थी। तो वो सारा लेख आपको आलोक शर्मा जी की तरफ से मिलेगा देखने को। और पीछे की तरफ से इसे आप देखेंगे तो प्रतिशोध की ज्वाला है, सिल्वर जुबली एडिशन लिखा है ऊपर, वही क्लासिक आर्ट, माफ़ कीजिएगा कैमरा एक बार फिर हिल गया। और प्रताप मुलिक जी का एक और आर्ट वर्क नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव को लेकर के, शानदार आर्ट वर्क है उनका।
और यहाँ पर कहानी शुरू हो जाती है प्रतिशोध की ज्वाला। सेम बढ़िया पेपर क्वालिटी पूरी कॉमिक्स में, आगे की तरफ से नागराज, पीछे की तरफ से प्रतिशोध की ज्वाला। ये कॉमिक्स 32 पेज में ख़त्म होती है और यहाँ पर सुपर कमांडो ध्रुव के बारे में चर्चा शुरू हो जाती है। सुपर कमांडो ध्रुव का ओरिजिनल आर्ट जो अनुपम सिन्हा जी ने बनाया था, पहले उनका कंसेप्ट सुपर कमांडो ध्रुव को लेकर के ये था, आपको इस कॉमिक्स में चित्र मिलेगा। और सुपर कमांडो ध्रुव की बहुत सी कॉमिक्स के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। बहुत बढ़िया लेख है, आप ज़रूर पढ़िएगा, मज़ा आ जाएगा पढ़ के। आई लव ईलू कार्ड्स जो आते थे उनके बारे में भी बताया गया है, कुछ अनमोल यादें, सुपर कमांडो ध्रुव के पास क्या क्या, ध्रुव क्या करता है, कहाँ से आया, कहाँ रहता है, उसकी शक्तियाँ क्या हैं, उसके दोस्त कौन हैं, उसके दुश्मन कौन हैं, ये सारी डिटेल्स आपको इस कॉमिक्स में मिलेंगी एज अ बोनस कंटेंट। और कुल मिलाकर बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं शायद ठीक से दिखा नहीं पा रहा हूँ इसको कैमरा में, दिखा इसलिए नहीं पा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि इसका साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा है कि ये फ्रेम में नहीं आ पा रही है। मैं आपको इस तरह से इसको दिखाता हूँ, ये दोनों कॉमिक्स मिला करके भी उससे भी बड़ा साइज़ इस कॉमिक्स का है। ये देखिए आप, इतनी बड़ी कॉमिक्स मैंने आज तक देखी नहीं है इसके अलावा, जबकि साइज़ कंपैरिजन आपको यदि करके दिखाऊं तो मनीष गुप्ता जी वाली कॉमिक्स और मनोज गुप्ता जी वाली नॉर्मल साइज़ की कॉमिक्स जो आती थी उनका, उसका साइज़ कंपैरिजन ये है। मनीष गुप्ता जी वाली कॉमिक्स संजय गुप्ता जी वाली जो बिग साइज़ आता है उससे थोड़ी सी छोटी हैं, ये आप देख पाएंगे, और नॉर्मल कॉमिक्स से थोड़ी बड़ी हैं, थोड़ी नहीं काफ़ी बड़ी है, ये साइज़ कंपैरिजन है। तो आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कितनी बड़ी ये वाली कॉमिक्स है सिल्वर जुबली एडिशन नागराज की। अगर आपके पास हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगती है कॉमिक्स। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, हालांकि स्टोर करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि हर जगह इसको आप रख नहीं सकते, समझ नहीं आता कि रखें कहाँ, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। तो दोस्तों ये था वीडियो आज का मनीष गुप्ता जी के अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए मैं बनाता रहूं और इस तरह से आपके लिए कॉमिक्स की जानकारी देता रहूं। आपको कैसे लग रहे हैं वीडियोस मुझे बताते रहिएगा, और मेटालिक प्रिंट के बारे में, सस्ती कॉमिक्स के बारे में आपकी क्या राय है वो भी मुझे ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जय हिंद।